31 साल की पूजा है और आजादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो भव्य प्रतिमा है, हमने बहुत जगह मूर्तियां देखी है, मगर ये जो बंगला मूर्ति बैठती है, इनकी बात ही अलग है। कुछ स्पिरिचुअल आपको लगेगा यहाँ के, एक पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, कुछ अलग फील हो। प्रतिमा देखकर यहाँ पे काफी अलग पूजा होता है, कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम डेली आते हैं। यादे भी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में माँ के नौ रूप की अलग अलग दिनों में अलग अलग पूजाएं होती है। और आपको बता दें कि जहां भी वातावरण जिस तरह से भक्तिमय हो गया है, ऐसे में जहां भी नज़र जा रही है, कहीं आरती की धुन तो कहीं शंखों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम पटना के बंगाली अखाड़े में हैं और आपको माँ दुर्गा की ये दुर्लभ तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाली परंपराओं में माँ दुर्गा की जो है विशेष पूजा की जाती है और ऐसे में आज हम पटना के बंगाली अखाड़े में मौजूद हैं और यहाँ पर माँ दुर्गा के पट जो है वो खुल चुके हैं और ऐसे में यहाँ की सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह माँ दुर्गा जो है यहाँ पर विराजमान है और इनकी ये भव्य तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह माँ यहाँ पे विराजमान है। और आज षष्ठी है और षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो ऐसे में आज माँ कात्यायनी के रूप में जो है वो पूजा की जा रही है। और आपको बता दें कि हालांकि हमारे धर्मों में अगर माना जाए तो सप्तमी के दिन माँ के पट खुलने का विधान होता है, लेकिन अगर बात करें बंगाली परंपरा की तो यहाँ पर षष्ठी के दिन ही माँ के ये तस्वीर जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको बता दें कि ये दुर्लभ तस्वीर जो है वो बंगाली अखाड़े से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कई वर्षों से ये पूजा जो है वो होती रही है, काफ़ी विधान है। हमने यहाँ के अध्यक्ष से भी बात की और आपको बताया कि यहाँ पर कितने सालों से ये पूजा की जा रही है और इस पूजा में अलग अलग तरीके से किस तरह से शयन आरती है, सुबह की मंगल आरती है, उसके बाद अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परंपरा में इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन उसकी भी लाइव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर जो है सिंदूर खेला जाता है, किस तरह महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ कर सिंदूर खेला में हिस्सा लेती हैं। शयन आरती में भी विशेष यहाँ पर विधान होता है, तो शयन आरती की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं बंगाली अखाड़े से कि यहाँ पे माता के पट जो हैं वो खुल गए हैं और आज षष्ठी है और षष्ठी में यहाँ पर जो है माता की पट जो है वो खुल गई है और माता के ये भव्य तस्वीर जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, लोगों से भी बातें करेंगे, जानेंगे कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और किस तरह से उनका रुझान जो है यहाँ पर विशेष तौर पर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन की भी काफ़ी व्यवस्था जो है वो की गई है, कई सालों से ये पूजा यहाँ पर की जाती है, विधि व्यवस्था जो है वो लगातार अच्छे तरीके से कायम है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी आना जाना है ताकि यहाँ के पूरे पूजा पंडाल में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाता है। हमने बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन की भी खासा यहाँ पे व्यवस्था होती है, वो सहूलियत करते हैं यहाँ के पूजा में। तो वहीं आज हम निकल पड़े हैं कि यहाँ बंगाली अखाड़े में किस तरह से पूजा होती है। लोग यहाँ पर बड़े संख्या में मौजूद होते हैं, शाम के 7 बजे जो है विशेष आरती की जाएगी। तो ऐसे में चलिए जुड़ते हैं हम एक एक कर यहाँ मौजूद लोगों से और उनसे जानते हैं कि वहाँ यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगता है और किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं और इस विधान को, इस पूजा को, सिंदूर खेला को किस तरह से पुष्पांजलि जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर कई ऐसे विधान जो है वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक कर जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि
यहाँ के पूजा पंडाल को लेकर, यहाँ की पूजा को लेकर उनका कितनी आस्था है और किस तरह से लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर शाम की आरती में जुड़ेंगे और उनका यहाँ को लेकर क्या कुछ कहना। चलिए तो चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ की माता को लेकर इन लोगों में कितनी आस्था है और कब से आ रहे हैं ये लोग। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रज्ञा नाम है मेरा और मैं यहीं रहती हूँ, तो मुझे 22 इयर्स हो चुके हैं और मुझे लगता है कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं आ रही हूँ हमेशा। इतनी आस्था है, बहुत ही है बिल्कुल। जिन इनकी जो भव्य प्रतिमा है, हमने बहुत जगह मूर्तियाँ देखी है मगर ये जो बंगला मूर्ति बैठती है इनकी बात ही अलग है जी। तो और क्या लगता है कैसे मतलब शाम की आरती होती है उन सब? बहुत अच्छी, बहुत ही अलग होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है। मतलब यहाँ की जो आरती होती है, आप आओगे आप देखोगे आपका मन मतलब मग्न हो जाएगा उसके अंदर, इतनी अच्छी आरती होती है, बहुत अच्छी होती है। हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, पूरे सा परिवार आते हैं हमेशा। तो जी, तो देखा आपने काफ़ी ज़्यादा आस्था है और लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना से ही हूँ जी। कैसा लगता है यहाँ पे एक अलग ही मूर्ति जो है, माता की प्रतिमा जो है, एक अलग रूप में देखने को मिलती है? जैसा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, यहाँ बंगाली रीति से पूजा होती है और काफ़ी सुंदर होता है जो कि हम देखते हैं बचपन से आते हुए जी। बहुत पसंद है आना यहाँ और हमेशा आते रहते हैं, हर साल आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं जी। और कैसा लगता है यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल जो है वो एक अलग ही वाइब्स देता है, तो इसको लेकर इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लाइक कुछ स्पिरिचुअल आपको लगेगा यहाँ के, एक पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे, कुछ अलग फील होगा आकर। आप यहाँ आए हो आपको ज़रूर वो चीज़ फील होगा, अगर शाम की आरती में आप रुकोगे उस चीज़ को आप फील कर पाओगे, यहाँ कुछ अलग प्रेजेंस लगेगा आपको जी। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातें करेंगे। यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। तो मेला शुरू हो गया है, माता के पट यहाँ पर खुल गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हम आए लंगा टोली गली से, नाम है मेरा विशाल। विशाल, अच्छा, यहाँ की ये मूर्ति देखकर कैसा फील होता है, कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है। शाम की आरती में आना है? हाँ आना है। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? आयुष, लंगा टोली गली जी। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके माता की प्रतिमा देख कर? यहाँ पे काफी अलग पूजा होता है, कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हम डेली आते हैं, डेली आते हैं आरती देखने। आरती देखने कैसा लगता है यहाँ की आरती? तो काफ़ी भव्य होती है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की इस भव्य प्रतिमा को लेकर, यहाँ के दुर्लभ आरती को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि माता जिस तरह से विराजमान है और बंगाली स्टाइल में यहाँ पे पूजा होती है, बंगाली तर्ज पे यहाँ पे पूजा होती है और खासा लोगों की हुजूम जो है वो शायन काल की आरती में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर, हालांकि हमारे यहाँ तो सप्तमी के दिन माँ के पट खुलने का विधान होता है, लेकिन यहाँ माता जो है आज इस रूप में विराजमान है और आपको आज के दिन इनकी ये तस्वीर जो है वो हमने दिखाई है, क्योंकि आज कहीं पे भी आप नज़र दिखाएंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको माता का हर जगह पट बंद नज़र आएगा, क्योंकि सप्तमी जो है, सप्तमी के दिन माता का जो पट है वो खुलता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि बंगला स्टाइल में पूजा होती है, बंगला विधि विधान से पूजा होती है, तो यहाँ पर पट जो है वो एक दिन पहले यानी कि षष्ठी के दिन खुल जाते हैं। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ के लोगों को क्या लगता है, कैसा लगता है जब माँ की ये भव्य प्रतिमा देखते हैं, शाम की भव्य आरती देखते हैं। तो अभी बंगाली अखाड़े के वाइस प्रेसिडेंट समीर राय हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि ये पूजा जो है वो कब से यहाँ पर की जा रही है और किस तरह से इस बार ये खास रहने वाला है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपके आनंद के लिए। और ये पहली बात है कि हम लोग का ये पूजा 132 साल की पूजा है और आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक समय था हम लोग के यहाँ एक जिम है, जिम में बॉडी बिल्डिंग का काम होता था, उस समय पूजा नहीं होती थी। तो अंग्रेज के समय में यहाँ जब लोग जो है, अंग्रेज पुलिस का यहाँ छापा पड़ता था, जिसके कारण
जो स्वतंत्रता संग्रामी लोग थे यहाँ, हमारे यहाँ 37 स्वतंत्रता संग्रामी फ्रीडम फाइटर थे, सबको तब देहांत हो चुका है उम्र, तो उस समय क्या हुआ कि उसको बचाने के लिए यहाँ पूजा शुरू किया गया था। तब से 132 साल से ये पूजा लगातार चला रहा है। और हम लोग के यहाँ पंच सबसे बड़ा चीज़ है कि पंचमी के दिन जो है से पूजा शुरू होता है, जिसको बंगला में बोधन बोला जाता है। बोधन के बाद पूजा शुरू हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट डे षष्ठी पूजा होगा। षष्ठी पूजा में उसका मतलब ये होता है कि उसमें सुहागन महिलाएं अपने बाल बच्चा के लिए जो है मैंने उसका भविष्य के लिए ही पूजा का मैंने माँ से वरदान मांगते हैं। और फिर तो उसके बाद सप्तमी होगा, सप्तमी के दिन पुष्पांजलि होगा। फल पुष्पांजलि का क्या विधान है? पुष्पांजलि में आपको माँ से जो है लोग अपना अपना निवेदन करते हैं कि माँ अपना अपना घर का सबका अपना अपना हिसाब किताब है कि कैसे चलेगा। पुष्पांजलि के बाद प्रसाद वितरण होता है, तो प्रसाद पर हम लोग का विशेष जोर रहता है। इस बार जो है बंगला पूजा के अनुसार दौड़बेस, जो हिंदी में जिसको हम लोग बूंदिया का लड्डू जो है ना, वो बड़े साइज का जिसको बंगला में दौड़बेस होता है, वो भोग प्रसाद में दिया जाता है। उसके प्रसाद के बाद पूजा होगा, फिर आपको दोपहर को भोग होगा। भोग में खिचड़ी रहेगा, दो सब्जी रहेगा, चटनी पापड़ दनौड़ी भुंजिया सब जो रहेगा, खीर पुलाव हलवा सब रहेगा। उसके बाद शाम को आरती होगा, आरती में उसके बाद धुनुची नाच होगा जो बंगला ट्रेडिशन के अनुसार होगा। उसके बाद संध्या आरती के बाद पूजा का समाप्ति, फिर नेक्स्ट अष्टमी पूजा होगा। अष्टमी पूजा में पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि के बाद आपको भोग होगा, भोग में भी खिचड़ी होगा सब्जी होगा। उसके बाद ये होगा अष्टमी नवमी का मिलन होगा, संधि पूजा, जिसमें 108 दिया जलेगा। उसमें दिया जलाने का होता है सुहागन महिलाएं का, उन लोग दिया जलाएंगे। 108 उड़ूर का फूल, 108 तीन बेलपत्तर का माला, 108 कमल का फूल से जो है माँ का मैंने माला पहनाया जाएगा। उसके बाद संधि पूजा के बाद जो है कुमारी पूजा होगा। कुमारी कन्या जो है वो 8 साल से नीचे का कोई भी लड़की माने को उसका कोई जाति भेद नहीं है, उसका जो है पूजन होगा माँ के स्वरूप उसका बनाकर। उसके बाद जो है पूजा सब रात को संध्या आरती होगा, आरती के बाद प्रसादी होगा, उसके बाद पूजा समाप्त, फिर नवमी होगा। नवमी में माँ को जो है पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि के बाद आपको भोग होगा, भोग में पुलाव दो तरह का सब्जी सब जो है पुलाव चढ़ेगा। उसके बाद नवमी में संध्या आरती होगा, संध्या आरती के बाद आपको धुनुची नाच होगा जो, फिर दसवीं पूजा, दसवीं को माँ को जो है भोग में चूड़ा दही गुड़ का जो है भोग होगा। भोग होने के बाद दर्पण होगा, दर्पण जो है बंगला विधि से ही होगा, एक बड़ा सा कठौती जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको उसमें माँ का मैं गंगा जल रख कर उसमें एक नीचे जो है आपको एक बड़ा आईना मिरर जो है रख के माँ को डायरेक्ट लोग माँ को नहीं देखेंगे, मुँह दर्पण में ही देखेंगे। और देखने के बाद जो है माँ का विदाई होगा, विदाई के समय में है सुहागन महिला माँ को विदाई देगी, उस समय सिंदूर खेला होगा। सिंदूर खेला का खास विधान है। हाँ, सिंदूर खेला जो है माने एक सुहागन दूसरे सुहागन को माने भविष्य के लिए जो है कि अच्छा से संकल्प चले, जिसके लिए माँ से लोग माने आशीर्वाद मांगते हैं, जिसको सिंदूर खेला बोलते हैं। अच्छा, अलग अलग रूपों में माता की पूजा होती है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, हर एक दिन माता की, जैसे आज षष्ठी है तो आज कात्यायनी माता की पूजा हो रही है, तो मतलब आज का क्या विधान है? क्योंकि हर दिन खास करके बंगाली लोगों में इस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। बंगला ट्रेडिशन में जो है ना वो अलग अलग करके नहीं होगा, तीनों माँ का पूजा जो होगा, तीनों पूजा में डेली माँ को स्नान होगा। स्नान में नया कपड़ा माने बदला तो नहीं जाएगा, लेकिन मंत्र उच्चारण से जो है कपड़ा बदल होगा। तीन दिन माँ को स्नान होगा, तीनों चार दिन षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी चारों दिन स्नान करके नया कपड़ा चढ़ेगा माँ को, नया कपड़ा चढ़ेगा। कार्तिक गणेश को भी स्नान करा के नया कपड़ा चढ़ेगा। चढ़ाने के बाद जो है माने वो मंत्रोच्चारण से कपड़ा बदल तो संभव नहीं है, तो डेली उसका होगा, वो कात्यायनी और ये करके नहीं होगा, लेकिन तीनों का पूजा होगा। इस बार मतलब क्या रहने वाला है खास, क्योंकि हर साल मनाया जाता रहा है, तो इस बार भक्तों के लिए? देखिए, भक्त के लिए तो माँ से हम लोग भी आशीर्वाद मांगते हैं कि सभी हम लोग एक माने सुख सुख सुखद जीवन भी व्यतीत करें,
लेकिन विशेष तौर पर जो है हम लोग यही माँ से मांगते हैं कि पूरा जग हम लोग का सब सही सलामत अगला साल के लिए तैयारी में जुटे, यही हम लोग। पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसे? प्रशासन की तरफ से हम लोग का कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर DGP से लेकर आपको इंस्पेक्टर तक जो है आगमन रहता है, इन लोग का बहुत सहयोग रहता है, महिला पुलिस का भी व्यवस्था है, जेंट्स पुलिस का भी व्यवस्था है, और मैंने हर तरह का सहयोग हमको गवर्नमेंट से हम लोग को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी तरह यहाँ से जो भी है माता की सीधी तस्वीर जो है, लाइव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माहौल जो है वो किस तरह भक्तिमय हुआ है, और जिधर भी आपको नज़र जाएगी सिर्फ आरती की गूंज और संख की ध्वनि जो है वो आपको सुनाई देगी, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों में जो है शयन काल की आरती होने वाली है। और आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि पूजा पंडाल जो है वो किस तरह से सज धज कर तैयार है, पूरा वातावरण जो है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है, और जहां भी आपकी नज़रें जाएंगी वो बिल्कुल वहाँ टिक जाएंगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये किस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ पर पंडाल जो है वो जाए गए हैं। तो आपको ये दुर्लभ तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पूजा पंडाल को कितनी खूबसूरती से, कितनी बारीकी से सजाया गया है। और कल सप्तमी है, और जगह जगह आपको बता दें कि बंगाली अखाड़े की हमने तस्वीर दिखाई, और बंगाली अखाड़े में जो है आज माता के पट खुल गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सप्तमी के दिन हमारे यहाँ माता के पट खुलने का विधान है, और इसको लेकर जो है कहें कि आखिरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूजा पंडालों की ये खूबसूरती किस कदर भक्तिमय हो चला है, और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ कानों में आपको सिर्फ माता के गानों की गूंज जो है वो सुनाई देगी, संघ की ध्वनि सुनाई देगी। और शाम 4 बजे आपको बता दें कि शाम 4 बजे जो है वो पूजा की तैयारियों को लेकर कहा गया है कि पूजा की तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी, और 7 बजे महाआरती का आयोजन जो है वो किया जाएगा। 7 बजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो जुड़ेंगे, और माता के भव्य आरती का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा दें कि किस तरह पूजा पंडाल जो है वो नवरात्रि को लेकर पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा कि अगली बार एक बार फिर से हम आपको यहाँ की तस्वीर जो है वो दिखाएंगे, महाआरती भी दिखाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जुड़े रहिए NBC 24 पर।